मदिगम्यामहेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः तस्मै पाणिनये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः शिवाय। क्या जी? ठीक है। सूत्रकार महर्षि पाणिनि ने अनुनासिक का पाठ अभी नहीं मिलता है, इदानीम परिभ्रष्ट अभी दिखता नहीं है सूत्र में, अष्टाध्याय में, ठीक है। फिर भी वृत्तिकार आदि जो आचार्य है ना, उसने ऐसा व्यवहार किया है, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसलिए यथा कार्यम प्राक्षित, इसी प्रकार पहले भी ऐसा हुआ था, पहले भी सूत्र में था, पहले समझ में कि नहीं। इति अनुमियते, ऐसा अनुमान किया जाना चाहिए है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना पड़ता है ना, समझ में कि नहीं। पूर्व कारण कौन हो गया महर्षि पाणिनि का वाक्य है कि नहीं, आ कार्य कौन है अभी का व्यवहार। इसलिए वर्तमान में जो दिखता है वृत्तिकार आदि के है ना व्यवहार में जो अनुनासिक का दिखता है, इसलिए पहले भी अनुनासिक का था, समझ में कि नहीं आया, ऐसा अनुमान करना चाहिए। हो गया, आओ। पुस्तक बंद करो, हम पूछते हैं, बंद करिए पुस्तक तब तक कुछ पता लगेगा। आदिरंतेना सहिता, ये सूत्र से संज्ञा होती है, होती है। एक संज्ञा बोले ज्योतिर्मानंद जी। यही संज्ञा, आप बोलो एक संज्ञा, आप बोले, आप बताइए। उप प्रत्यय कौन सा सकर है, जस कह रहे कौन सा सकर है, बताइए। एक प्रत्यय, हाँ इच प्रत्यय है, ठीक है। तो बताते हैं प्रत्याहार में, आइए प्रत्याहार में ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, इसमें क्या कारण है, कौन बता सकते हैं, आप बता सकते हो, बता सकते हो, हाँ देख कर नहीं बोलना है, और कोई बता सकते हैं। प्रत्याहार में ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, इसमें कारण बताइए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना, बहुत जगह है। बोलिए, है मालूम, मालूम है, बोलिए। और कौन बोल सकते हैं, बोल सकते हो, बोलिए। तुम बताओगे, बताओ। प्रत्याहार में अगर कृष्ण का ग्रहण करने लगेंगे तो अनिष्ट रूप होंगे, जैसे अनुनासिक नहीं बनेगा, अनुनासिक इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। ऋषि या कल्याण इत्यादि कार्य होने लगेंगे,
वो है, ठीक समझ में आ गया। कितने कारण बताए? प्रत्याहार में ईद वर्णों का ग्रहण नहीं होता है तो इसमें कितने कारण है? हाँ, तीन कारण है। याद है श्लोक? याद है महाभाष्य का श्लोक? नहीं याद है किसी को? याद करना चाहिए। तीन कारण बताया। पहला हो गया आचार, पहला क्या है? शिष्टाचार। इसमें एक हेतु दिया यहाँ पर, जो अनाशिक इत्यादि निर्देशात, एक ही दिया यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित ने, आचार मतलब शिष्टों का आचार है ना, ठीक है। दूसरा क्या है? हाँ, अप्रधानत्व, प्रधान नहीं है, है ना। तो प्रत्याहार में ईद वर्ण प्रधान नहीं है, है? क्यों क्यों आर से प्रयोग नहीं, क्यों? क्योंकि तृतीय विभक्ति है ना, आदिरंते न सहेता, सुनते हो? ठीक है। प्रधाना प्रधानयोः, प्रधाने कार्य संप्रत्ययः, और प्रधान होता है ईद वर्ण, हो गया। और हाँ, तीसरा बोलो, लोपश्च बलवत्तरः, ठीक है। ईद वर्ण तो लोप हो जाएगा, तस्य लोपस्य, कितने हेतु हो गए? तीन। क्या क्या है? आचार, अप्रधान, लोपः, लोपश्च बलवत्तर, याद रखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, महाभाष्यकर का कहना है, महर्षि पतंजलि का कहना है, पहला तो हो गया आचार मतलब शिष्टाचार, जैसे कह दिया अनाशिक, अनाशिक शब्द है कि नहीं किस सूत्र में? मुखनाशिक वचोनाशिक, अनाशिक शब्द आया अनुनाशिक, सी के बाद क्या है? ककार है, अनुनाशिक ककार को यदि प्रत्याहार में अंतर्भुक्त करेंगे तो अच प्रत्याहार में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कौन? ककार आ गया ना, क्योंकि ककार किस सूत्र में आता है? रेलिटिक में आता है, तो अच प्रत्याहार में आ गया। तो अनुनाशिक इकार के पर में यदि अच हो तो क्या सूत्र लगता है? इको एण जिसे यण हो जाता है, तो सी के इकार का यकार हो जाएगा, लोप का इको होगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यकार होने लगेगा, क्या होने लगेगा? यकार होने लगेगा, अनाशिक का शब्द नहीं हो पाएगा, समझ में आया? एक हेतु हो गया, ठीक है जी, सुजाता जी। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया अप्रधान, ईद वर्ण अप्रधान होता है कि नहीं? गौण होता है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा प्रत्याहार में, ये महावाष्यकर का कहना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा है लोपश्च बलवत्तर, है आदिरंतना संहिता सूत्र से यदि ईद वर्णों को ग्रहण करेंगे फिर तस्य लोप भी तो आ जाएगा, तस्य लोप से ईद वर्णों का क्या होता है? लोप कर देगा, वो है नित्य विधि है, तस्य लोप से लोप नित्य विधि है, तो नित्य विधि बलवान होती है, हो गया, इसलिए ईद वर्ण का ग्रहण नहीं होगा। अब समझ में आ गया है? ये तीन हेतु दिया है महावाष्यकर का कहना है। अच्छा जी, प्रत्याहार शब्द का विग्रह क्या है, कौन बोल सकते हैं? कौन बोल सकते हैं पहले बताइए, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हैं, बताइए। हाँ ठीक है, प्रत्याह्रियंते संक्षिप्यंते वर्णाः, आगे यत्र अथवा यस्मिन् इति प्रत्याहारः, ठीक है। प्रत्याहार मैं क्या प्रत्यय है? बोलो स्वरूप चैतन्य, हाजी ल्यूट, प्रत्याहार में ल्यूट होगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। बोलिए भूमा चैतन्य जी, प्रत्याहार कैसे शब्द बना? प्रत्याहार कैसे बना, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है?
हाँ, हरिहरण धातु है, प्रत्युपसर्ग है, प्रत्यय क्या है? घाय प्रत्यय। घाय प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? भूमा जी बताइए, बताओ चतुर्मानंद जी। नहीं, अधिकरण यत्र बोल रहे ना, अधिकरण अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ? अधिकरण अर्थ, वर्णों का संक्षेप है कि नहीं, जिसमें किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। इतना आया आया? थोड़ी तैयारी करो ना, तब तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सिद्धांत कौमुदी ठीक से तैयारी होनी चाहिए। सिद्धांत कौमुदी यदि नहीं है ठीक से, तो लघु भी ठीक से नहीं पढ़ा सकते हो, केवल अनुवाद अनुवाद हो जाता है। तो ऐसा अर्थ यदि करेंगे तो क्या दोष होगा? कौन बोल सकते हैं? ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या दोष होगा? कौन बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं? नहीं। प्रत्याहृयन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यस्मिन् इति प्रत्याहार, ऐसा अर्थ करेंगे तो योगिक शब्द हो गया। ये प्रत्याहार योगिक शब्द हो गया, तो फिर क्या दोष होगा? क्या दोष होगा इतना बताओ। क्या अरे दोष जो तीन प्रकार के होते हैं उनमें से क्या दोष होगा इतना बताओ। ऐसा बोलो, अतिव्याप्ति दोष होता है। क्या दोष होता है? अतिव्याप्ति दोष होता है। कहाँ पर होता है ज्योतिर्मान? बताइए, और कोई बता सकते हैं? सूत्र ना बोलिए, उदाहरण बोलो। असंज्ञा में बोलिए, असंज्ञा में अतिव्याप्ति होगी। किसमें होगी? असंज्ञा में अतिव्याप्ति होगी। माधव जी क्यों होगी बताओ? असंज्ञा में अतिव्याप्ति होगी क्यों? हाँ, ऑनलाइन वाले कोई सुन रहे हैं? आप लोगों से भी थोड़ा पूछना चाहिए, तो सोचेंगे हम लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग तो बैठे हैं सामने। ठीक है, भले ही कमरे में है लेकिन है तो सामने ही है। ठीक है, बताइए कोई, असंज्ञा में अतिव्याप्ति होगी क्यों? नहीं बता सकते? यहाँ से कोई बताओ। बताइए। हाँ, कितने का किस, कितने का किसमें संक्षेप हुआ? 18 का बोलो, 17 क्या बोलो, 18 बोलो। अ में 18 का अ में ही संक्षेप हुआ, इसलिए असंज्ञा में अतिव्याप्ति होगी। असंज्ञा, ई संज्ञा, उ संज्ञा, री संज्ञा, एक नहीं हुई है समझ में? तो री में कितने का संक्षेप होता है? हाँ, 30 का होता है। कितने का होता है? किस में? री में, री में भी 30 का है। चाहे री को चल री को, 30 का अंतर्भाव किस में होता है महादेव जी? री में भी होता है, री में भी होता है, दोनों में होता है कि एक में होता है? दोनों में होता है। अच्छा, तो समझ में आना चाहिए ना। चलो, तो इसलिए एक ज्ञात तात्पर्य हुआ, प्रत्याहार को कौन सा शब्द मानना चाहिए? कौन सा शब्द मानना चाहिए? योग मानना चाहिए कि रूढ़ मानना चाहिए? योग रूढ़ मानना चाहिए, योग रूढ़ शब्द मानना चाहिए, क्योंकि व्याकरण में प्रत्याहार शब्द से अण इत्यादि संज्ञा में प्रसिद्धि है। प्रत्याहार शब्द की प्रसिद्धि अण इत्यादि संज्ञा में है, और यु इत्यादि में नहीं है, और योग भी है, इसलिए योग रूढ़ मानना चाहिए।
प्रकृति प्रत्यय का जो संबंध है ना, वो योग होता है, हो गया ना। इसलिए दोनों हो, योग रूढ़ क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा, ठीक है। जैसे पंकज कह दिया, क्या कह दिया है ना, पंकज, तो पंकज कह रहा पंकात जायते थी पंकज, ठीक है ना। तो कीचड़ से जो उत्पन्न, कीचड़ से तो, और वो कीड़े भी होते हैं कीचड़ से, होते ही नहीं होते, उसको पंकज कहा जाएगा, योग रूढ़ शब्द हुआ। क्या शब्द, कमल में पंकज क्या है, योग रूढ़ है, योग है कि रूढ़ है, दोनों, इसको योग रूढ़ कहा जाएगा। इसी प्रकार से, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये जो प्रत्याहार है ना, अभ्यास किए हो, अभ्यास किए हैं, अच्छा। पर एंग प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं, एक वर्ण आता है, अच्छा कौन सा, एंग प्रत्यार में दो वर्ण आएंगे ना, है? अभ्यास करना चाहिए। चकार से चार प्रत्यय कहा, औच ईच एच ऐच, तो औच मतलब जानते हो, ऐच में कितने आते हैं माधव जी, ऐच में क्या क्या है, है ना, अच्छा। फिर प्रत्यय अभ्यास करो, तो अच्छा देखो, मकार से प्रत्यय चार यहाँ पर गिनाया है, ओम यम यम गम, ओम में कितने आएंगे बिना देखे बताइएगा, बताइए स्वरूप जी, ओम नहीं बताइए, बताइए, 19 सही है, कौन कौन है, कैसे बताएंगे, हकार अंतस्थ बोलो, वैसे कितने हैं, ऐसा बोलिए हम आगे, हाँ वर्गों का पंचम कितने, ये गिनने की ये तरीका है, स्वर हो गया नौ, इसको कई ग्राफ बनाना चाहिए, पहले हो गया नौ, चार सूत्र नौ में आते हैं, चार सूत्र नौ मतलब नौ स्वर बनना है, इस तरीका से पढ़ना चाहिए, इस तरीका से पढ़ाना चाहिए भी, नहीं तो लोगों के दिमाग ऐसे इधर उधर हो जाते हैं, इस प्रक्रिया से करने चाहिए। पहले हो गया चार सूत्र है कि नहीं, पहले चार सूत्र को एक ग्राफ में रखो, स्वर में रखो, समझ में आया ना। द्वितीय ग्राफ हो गया हकार अंतस्थ, अंतस्थ कितने, पांच बोल, क्यों बोल रहे, अंतस्थ चार होते हैं, हकार अंतस्थ मिला दे पांच हो गया, ये द्वितीय ग्राफ हो गया, सुनते हो, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, हयावरण हो गया ना, हयावरण को एक एक रूम में रखो, हकार अंतस्थ पांच हो गया, उसके बाद क्या आता है, हाँ ये क्या बोल दिया मैंने, हयावरण लण तक जो, हयावरण और है ना, दो सूत्र आ गया, हयावरण लण को एक ही ग्राम में रखो, ठीक है। तो ह य व र ल कितना हो गए, पांच स्वर, ये क्या बोलते हैं, अंतस्थ के चार, हकार न पांचों दो हो गए, ठीक है। आगे फिर गिनते जाओ, देखो उसके बाद क्या सूत्र आता है, यम गणनम, इसको एक ही ग्राम में रखो, इसको कहते हैं पंचम वर्ण, वर्गों पांच होते हैं, है ना, वर्गों का पंचम कौन आता है, य म गण न, अंत में एक मकार को जोड़ दिया, ईद को जोड़ दिया, उसके बाद क्या सूत्र आता है, झाभय घड़ा दस, दो सूत्र को ले लो, झाभय घड़ा दस, दो सूत्र में कितने वर्ण है, पांच, इसको कौन सा वर्ण कहा जाएगा, हाँ वर्गों का चतुर्थ हो गया, पांच हो गया। उसके बाद क्या सूत्र आता है, जवा गड़ा दस, इसमें कितने वर्ण है, पांच, वर्गों का कौन सा है, तृतीय वर्ण हो गया। इस प्रकार अभ्यास करिए तो जल्दी जल्दी आ जाता है। फिर उसके बाद क्या सूत्र है, ख फ छ ठ थ चटताव और कपय, हो गया दो सूत्र हुआ, दो सूत्र में कितने वर्ण है, दस है, कौन सा दस हुआ, वर्गों का पहले द्वितीय बोलना है, फिर वर्गों का प्रथम,
वर्गों का द्वितीय, वर्गों का प्रथम, मिला करके 10 हुआ। 10 10 जो वर्ण है कितने सूत्र में हुआ? 2 सूत्र, ख फ छ ठ थ छट तब आगे कपय हो गए। जल्दी जल्दी कर रहे आप लोग पढ़े हो नहीं, फिर अंत में क्या है नहीं, स स सर हल, 2 सूत्र को ले लो ठीक है। 2 सूत्र में कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। 4 वर्णों का नाम क्या है उसमें? और एक नाम है सल, सल वर्ण कहो उसमें वर्ण कहो। इस प्रकार अभ्यास करो तो जल्दी होता है, समझ में आया कि नहीं? ऐसा ले लो। हाँ बताइए, ऑट में कितने आएंगे? बोली 14। क्या क्या है? तेरा आएंगे? तो कैसे तेरा हुआ? नौ चार 13 हो गए, समझ में आ गया? नहीं, इस भी अगर अभ्यास करना है ठीक है। अब बताओ आश बोलो, कहाँ देख कहाँ जाएगा? इक्कीस कैसे हुआ? इक्कीस नहीं, ऐसा नहीं, स्वर के 9 इस प्रकार बोलो। हया हकार अंतस्त 5, ऐसा बोलिए, मिलाकर 5 बोलना है ना, हकार अंतस्त 5, ऐसा बोलिए। नासिक ना बोलिए, पंचम वर्ण बोलिए। दूसरा चौथा वर्ण कितने हैं? झवें घड़ा धक जाएगा, 5 हो गया। फिर आगे फिर झवें घड़ा धक कितना हो गया? कुल मिलाकर कितना हुआ बताइए? तो गणित भी आ जाएगा इससे। ठीक है, अभ्यास करना चाहिए ना कि नहीं? हाँ बताए, एकदम सरल पूछ रहे हैं। बताइए विष्णु जी, चर बोली, चर कितने हैं? चर में स्वर कहाँ से आ गया भाई? हाँ कितने बनने इतना बताइए। बताए सुजाता जी, इनसे पूछता थोड़ा। सुजाता जी बताओ, 4 में कितने हैं? नहीं सुन रहे क्या? हाँ बताइए जोगिनी जी, 4 में कितने हैं? 9 कौन बोल रहे हैं? 7। अच्छा कैसे 7 हुआ बताओ? आगे बताओ, लघु पूरी हो गई? अभ्यास नहीं है। हाँ है कि नहीं? हाँ आप बताइए, एकदम सरल पूछ रहे हैं। शल बोलो, शल 4 बनना है, कैसे 4 हुआ? क्या बोलेंगे उसमें के 4? सीधा सीधा हो गया, क्या है उसमें वर्ण के 4, बस सल हो गए। सरल है कि नहीं? है ना? इस बगैर करना चाहिए। बताइए माधव जी, हश तालवे से कर, हश हसी चमाया कि नहीं? हस बोलिए, हस में कितने हैं? कितने हैं इतना बताना है।
उन्नीस है स्वरूप, 20 है। अच्छा 20 कैसे हुआ बताओ जतिर्मल। अब कितना बताए, 19 कैसे हुआ? हकार अंत तो 5 है, 5 माँ सीधा गिन देना है, हकार अंतस्त 5 हो गए मिला करके, फिर आगे चतुर्थ के चतुर्थ के पंचम, हाँ चतुर्थ पहले आएगा पंचमा, पंचम आएगा पंचमा से शुरू होता है ना, हाँ पंचमा के 5, चतुर्थ के 5, फिर आगे तृतीय के 5, सब 5-5 आ गया। हो गया सरल है कि नहीं? एकदम सरल है। ठीक है विष्णु जी बताओ, एकदम सरल पूछ रहे, इससे सरल कुछ नहीं है, हाँ तो बताओ हल में कितने, कितने हैं इतना बताइए, हल प्रत्याहार में कितने आएंगे, ये सरल है कि नहीं? 19 आएंगे। कैसे 19 हुआ बताओ, ह कहाँ पर है, किस सूत्र में हकार है? 29। अच्छा 29 है, 33-34 है। अच्छा 29 है, अच्छा 29 कैसे हुआ बताओ, शुरू कहाँ से, हकार कहाँ से आया? हाँ तो फिर अंतस्थ बोलेंगे, ये हकार अंतस्थ बोलो, कितने हैं 5 आगे। पंचम के बाद क्या आता है, चतुर्थ गिनो ना। प्रथम वर्ण, द्वितीय, हाँ दो, हाँ पहले द्वितीय आता है उसके बाद प्रथम आता है, हाँ कुल मिला कितना हुआ अभी, 6 बार बोल दिया ना आपने, 6×5 हो गया, 6×5 कितना है 30 है ना, फिर आगे अंतिम में कितना है, हाँ तो 34 होना चाहिए, कि 34 है क्या, 34 नहीं है, होकर 2 बार आया ले कितने है, एकदम सरल है ना ये, हल प्रत्यार में कितने वर्ण आता है, 33 होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण सीधा बोल दो और क्या है क्यों जी है ना माधव जी, ऑल में कितने आते हैं, ऑल ऑल प्रत्यार में ऑल, इससे इससे बड़ा कोई सरल है, पूरा बोलने, पूरा के उत्तर हुआ कितने वर्ण है बोलिए आप बोलो, 42 नहीं है, कम है, एक हकार 2 बार आया ना इसलिए कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए फिर, 41 कितने हैं, 42 है, स्वर के कितने हैं 9 है और व्यंजन के 33 और 9 कितने हैं 42 होते हैं, अभ्यास करना चाहिए ना भाई। ठीक है हम पहली बार जब यहाँ आए थे ना तो साधना सदर में पूछा था, मेरे एक पंडित जी आते थे पढ़ाने के लिए, वो मेरे को मेरे से पूछे थे, फिर प्रत्यारे पूछे वो यही प्रत्यारे चलो बहुत पहले के। ठीक है एक सूत्र रखन लेते हैं, चलो ये हो गया ना, आधे रंत ये पूरा हो गया, उसके बाद ये सूत्र देखो भे, उ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, फिर बोलिए, सूत्र में 3 पद है, उ काल आगे है अच, आगे क्या है, हाँ हर्ष दीर्घ पुत्र, हकार को झकार हुआ किस सूत्र से हुआ, जय होन्य तरस्याम, और चकार को जकार हो गया, जलाम जो सुनते हो गया, 3 पद हो गया। तो ये सूत्र में संज्ञा है हर्ष दीर्घ प्लुत, ये संज्ञा है,
संज्ञा सूत्र है। और संगी कौन है मालूम है? अच। संगी कौन है? अच है, हो गया। एक मात्री का अच, दो मात्री का अच, तीन मात्री का अच, हो गया कि नहीं? ऐसा कहा ओ काल प्रथमांत है। तो ओ काल ये कहते हैं उच्च 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 बह, बोलो। हाँ, ये तीन जो है ना, हैं, हाँ, तीन मात्रिक वर्णों का अनुकरण किया यहाँ पर। ये तीन जो ऊ दिया है, तीन मात्रिक हैं ऊ का अनुकरण किया, एक मात्रिक, द्वि मात्रिक, तीन मात्रिक। ये पहला है ऊ, एक मात्रिक वर्णों का अनुकरण किया, सुनते हो, अनुकरण किया है ना। और दूसरा है द्वि मात्रिक ऊ का अनुकरण किया, आगे तीसरा तीन मात्रिक ऊ का अनुकरण किया, वर्ण का अनुकरण किया, ठीक है। तो तीन ऊ को जो लिख देंगे ऊ संधि कर देंगे ना, तो पहला है एक मात्रिक ऊ, उसके बाद द्वि मात्रिक ऊ, तो क्या संधि होगी? अगर समझ दीर्घ ऊ हो गया है ना, फिर ऊ आगे पुरुत ऊ क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर, योग दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? फिर ऊ हो गया, प्रातिपदिक हो गया, ऊ हो गया। फिर इसका बहुवचन करेंगे, ऊ प्लस जस आएगा, जस का अस होगा, तो फिर ऊ को क्या आदेश होगा? वो आदेश होगा किस सूत्र से? हाँ, वकार हो गया, जस का अ जोड़ दिया, वो हो। और षष्ठी में क्या बनेगा? षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? वाम बनेगा, किसका? ऊ का। आम हो गया तो ऊ को यण हो गया, वाम हो गया, ठीक है। ये आगे लिखे देखो, विग्रह करेंगे ऊ काल का बहुरी समाज। वाम काल इव कालो यस्य सो अच, बोलो। क्रमात् हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। बहुवरी समाज किया, पहले तो कर दिया ऊ काल शब्द बना ना, क्या शब्द बना? ये जो ऊ काल है, ये काल क्या जानते हो? काल शब्द मात्रा पर्याय, बालरमा में दिया, देखो दिया है, हैं, दिया है। काल शब्द मात्रा पर्याय, काल सदृश लक्षण है कि नहीं? हाँ, देखो ऊ काल कहोगे, इधर देखो क्या कहोगे? ऊ काल कहेगी, काल मतलब समय, हाँ, ऊ ऐसा काल है, ऊ ऐसा काल है जिसका हो, वो तो किसका काल होगा? ऊ का होगा, बाकी वर्णों का तो होगा नहीं, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर क्या कर, लक्षणा कर देंगे, काल के सादृश्य में लक्षणा कर देंगे, है कि नहीं? ऊ काल के सदृश जिसका काल हो, क्या समय है? उल्का के सदृश जिसका काल हो, ऐसा वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए समास कर देंगे, एक दिया है बाल रोम, आप लोग देख सकते हो, उ काल कालो यस्य, दिया है उ काल, हाँ, कालो इव कालो यस्य, ऐसे भी करते हैं, उ काल इव कालो यस्य, इव स्पष्टता के लिए, है ना। कैसे समास होगा? सप्तममाना पूर्वपदस्य बहुव्रीर्वाच्यो वा चतुर्थपदलोपः इति द्विपद बहुव्री हो जाएगा। तो ऊ काल सु आगे क्या करेंगे? काल सु कर देंगे, क्या करेंगे? ऊ काल सु आगे काल सु कर देंगे, तो पूर्व पद कौन हो गया? हाँ, समझ में ना, ऊ काल में पूर्व पद, उत्तर पद कौन है? काल। ऊ काल आगे फिर काला है, ऊ काल आगे फिर काला है, ठीक है ना। इसलिए पूर्व पद जो ऊ काल है, उसमें जो उत्तर पद है काल, उसका लोप हो जाएगा। ये वार्तिक से सुनते हो, कौन वार्तिक है? सप्तम माना पूर्व पदस्य बहुव्रीर्वाच्यो वा चतुर्थ पद लोप, उत्तर पद कौन है? कौन सा काल? दूसरा नहीं, हाँ, ऊ काल में जो काला है वो हो गया उत्तर पद,
पूरा पद में जो उत्तर पद ऐसा लगाना, सुनते हो क्या? पूरा पद हो गया उकाल, इसमें उत्तर पद कौन है? काल। पूरा पद कौन है? हाँ, उकाल में उत्तर पद काला, तो पूरा पद कौन हो गया? हाँ ऐसा समझ, ठीक है, कुछ समझ में? इधर देखो, उकाल काल, इनमें पूरा पद हो गया उकाल, पूरा पद कौन हो गया? उकाल, सुनते हो? उकाल में जो उत्तर पद है काल, पूरा पद कौन है? उ, तो उत्तर काल की अपेक्षा से उत्तर पद हो गया पूर्व काल, ये उकाल, पूर्व काल बोले उकाल, सुनते हो? इनमें जो उत्तर पद है काल, ठीक है, अब पूर्व पद कौन है? ऊ, दो काल है ना, उत्तर काल हो गया उत्तर पद हो गया, इसकी अपेक्षा पूर्व पद कौन है? उकाल। उकाल में उत्तर पद हो गया काल, तो पूर्व पद कौन है? ऊ, ऐसा लगाना, सच में कि नहीं आया? पूरा पद हो गया उकाल, उनमें उत्तर पद है काल, उसका लोप हो गया, ये समाज बोलता है, वार्तिक से बोलता है, ठीक है, चलो। जैसे व्याघ्रपाद होता है, व्याघ्रपाद शब्द वैसे ही बनता है कि नहीं? कालाक्षी बोलता है। चलो, हाँ ये हो गया ना, तो सब प्रत्येकम उदा, ये तो आगे चलेगा, ये बाल ये तत्वबोधिनी में देखो। समाहार दंदे सूत्रम पुंस्तम, ये जो पहले कहते हैं ना उच्च उच्च बहु, ये जो ऊ में समास होगा समाहार दंद, समाहार दंद यदि करोगे तो कौन सा होना चाहिए? लिंग, वो तो नपुंसक होना चाहिए, नपुंसक लिंग होता है ना, सौ नपुंसकम, तो यहाँ पर क्या किया है? नपुंसक क्या है? क्या है तो पुलिंग क्या है? ऊ काला में, ये ऊ, हाँ ऊ में है कि नहीं? उच्च उच्च बह, समझ में कि नहीं आया? कौन सा समास, ये कौन सा लिंग किया है? पुलिंग किया ना, हाँ पुलिंग किया, तो होना चाहिए था क्या? नपुंसक होना चाहिए, ये नपुंसक नहीं हुआ, पुलिंग हुआ, ये सूत्र प्रयोग हुआ, कौन सा प्रयोग हुआ? ये दिया तो तत्वबोधिनी में दिया, देखो ठीक है। तो समाहार दंदे सूत्रम पुस्तम, अच्छा तो बालमुंडा में जो दिया है, बालरो में तला देखो, वो काला जो मोटे दिया है ना, उसके बाद देखिए हर्ष दीर्घ पुत समाहार दंद, इतना ठीक है, सूत्रम पुस्तम ये भी ठीक है, आगे जो दिया है इतर इतर योग दंदो वा, हो गया, इतर इतर द्वंद समाज करेंगे तथा सत्य एक वचनम आरसम, इतर द्वंद समास कर देंगे नहीं तो वचन क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा वचन हुआ है? एक वचन हुआ है नहीं, क्या क्या तथा सत्य एक वचनम, बहुवचन होना चाहिए ना, सुनते हो? अरे एक वचनम आरसम ये जो दिया है, एक वचनम आरसम ये जो दिया है, इसको क्या मानना? आरस, ये ठीक नहीं, इसको हटा दीजिए अथवा चिन्ह लगा दो। ये जो दूसरा पक्ष दिया है इतर इतर जंग द्वंदो वा तथा सती एक वचनम आरसम, ये ना राउंड कर दीजिए, ये अशुद्ध दिया है, इसलिए लोग बालमुंडा को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, ठीक है, तत्वबोधिनी को प्रामाणिक मानते हैं, ओके कि नहीं? पहला ठीक दिया है हर्ष दीर्घ पुत्र समार दंद सोत्रम पुस्तम, ये ठीक दिया है, इतर इतर जंग दंदो वा तथा सत्य एक वचन वारसम, ये ठीक नहीं है। क्यों ऐसा? सोत्र में व्यतिक्रम करने की अपेक्षा से, लिख कर रखो, सोत्र में व्यतिक्रम करने की अपेक्षा लिंग में व्यतिक्रम करना अच्छा है, लिंग में व्यतिक्रम करना अच्छा है, ठीक है, सूत्र में व्यतिक्रम करने की अपेक्षा से लिंग में व्यतिक्रम करना अच्छा है माना जाता है, ठीक है, क्योंकि महाभाष्यकार ने कहा है
महाभाष्यकार ने कहा है लिंगम अशिष्यम, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वाद लिंगस्य, लोकाश्रयत्वाद लिंगस्य। ठीक है, लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वाद लिंगस्य, इसका अर्थ आपको बता दिया, लिखवा दिया। ठीक है, चलिए, इले तत्वबोध ने जो दिया है वो ठीक दिया है, एक ही पक्ष दिया है, समाहार दंदे सूत्रम पुंस्तम उति त्रयाणाम प्रश्लेषण निर्देश इतिहा, ये उ कह देना, ये तीनों का प्रश्लेष कर दिया, क्या कर दिया, हाँ मूल में कर देना प्लस ले, देखो उ उ उ तीन कर दिया है कि नहीं, ऐसा कर बह बाम इति त्रयाणाम सवर्ण दीर्घ कृते जसी परतो यणि बह, ये तीन तीन वर्ण है ना, उ उ उ सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अकस्वर्ण दीर्घ हो जाएगा तो प्रातिपदी क्या होगा, उ हो गया कि नहीं, दीर्घ उ, दीर्घ उ में जस करेंगे तो क्या होगा, उ को यण हो जाएगा है ना, तो बह और आमी तो बाम, उ के बाद जो आम प्रत्यय करोगे तो क्या होगा, बाम बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, तत्वबोधिनी चला रहे हैं, तो बाम काल युव काल यश्य फलितार्थम कथनम इदम। ठीक है, ये बाम काल युव कालो यश्य, ये समाज का विग्रह दिया है, लेकिन तत्वबोधिनी कहते हैं कि ये विग्रह नहीं है, ये फलित अर्थ हुआ, उ काल शब्द का सूत्र में जो उ काल शब्द आया है कि नहीं, इसका फलित अर्थ कथन किया गया, कहाँ पर जो लिखा है बाम काल इव कालो यस्य, ये फलित अर्थ हुआ, विग्रह नहीं, तत्वबोधि कर कर विग्रह कर भी देंगे तब भी कोई हानि नहीं है, सूत्र में जो ये सूत्र की वृत्ति में जो दिया है विग्रह, ऐसा विग्रह हो सकता है, लेकिन तत्वबोधिनीकार कह रहे हैं ये फलित अर्थ हुआ, फिर विग्रह क्या होगा, विग्रहस्तु बह कालो यस्य इति बोध्या है ना, बह काल करने से कितना हो गए, तीन हो गए ना, तीन हो गए है ना, अच्छा लेकिन उ शब्द ये जो उ कहा ना है ना, ये तीन जो उ कहा स्व उच्चारण कालो लक्षते, उच्चारण काल में लक्षण किया, क्या समझ, ये जो उच्चारण का उच्चारण करने का जो समय है ना उसमें लक्षण कर दिया, सुनते हो, अच्छा ये जो हर्ष दीर्घ प्लुत जो संज्ञा होती है किसकी होती है मालूम है, अच की होती है, अच की होते ना, अगले अच किम, अच यदि सूत्र में ना कहते क्या, हाँ लोगों पढ़ते समय तो नहीं आता है, इतना तो नहीं आता ना, अच यदि नहीं कहते है कि नहीं, तो क्या होता, अतिव्याप्ति हो जाती, क्या हो जाती है, जैसे दिया है देखो संयोगस्य मा भूत, तत्वबोधिनि चला रहे, प्रत्यक्ष प्ररक्ष, एक तक्ष धातु होता है, क्या होता है, तक्ष धातु होता है, तक्ष में ककार सकार संयोग है, क्या ककार सकार क और स का संयोग है, आगे य, आगे य है ना, तो य परे रहते जो है पूर्व में क्या बनना है, तो क और स है, ककार सकार, कौन सकार है, मूर्धन्य सकार है, ककार जो है व्यंजन, जानते हैं व्यंजन बनना की क्या मात्रा होती, जानते हैं, अर्ध मात्रा है ना, तो दो व्यंजन जोड़ देंगे तो कितने मात्रा हुए, एक मात्रा हुए, तो एक मात्रा की क्या संज्ञा होगी, फिर अर्ध संज्ञा हो जानी चाहिए, किसकी, ककार सकार जो संयोग है ना उसकी क्या हो जाएगी, है ना, क्या संज्ञा होगी, हर्ष संज्ञा हो जाएगी, क्यों, जोड़ दिया ना, एक मात्रा हो गया, एक मात्री का वर्ण हर्ष होगा, ये अर्थ निकलेगा, निकलेगा अच ना कहते तो, इसलिए ककार सकार संयोग होने से एक मात्री का हुआ मिला करके, इसलिए हर्ष संज्ञा हो जाएगी, और हर्ष संज्ञा हो जाने पर क्या होगा, हर्षस्य पीति कृति तुक, आगे तुआ को लेप कर दिया ना, है कि नहीं, तो आगे है पित, क्या है पित, तो हर्ष हो गया, कौन ककार सकार हर्ष हो गया, इसको तुक आगम हो जाएगा आगे दिया है देखो, इसे प्ररक्ष, रक्ष धातु होता है रक्षा करना,
यहाँ पर भी ऐसा ही है, कौशयोर एकमात्रत्व न हर्ष संज्ञायाम हर्ष प्रीति कृति इति तुक स्या, है कि नहीं। इसलिए संयोग जो होता है वो भी एकमात्रिक हो जाते, आधा आधा मिला करके उसकी भी हर्ष संज्ञा हो जाती, हर्ष संज्ञा जब हो जाती उसका फल भी हो जाता है तुक आगम। इसलिए सूत्र में क्या कहा, अच वो कालच कह दिया, हाँ उसको हर्ष नहीं माना, हर्ष नहीं माना जाता है संयोग को। ठीक है, ओम नृत्तावसाने नटराज राज ननाद ढक्कां नव पंचवारं उद्धर्तु काम सनका।